सभी को मेरा नमस्कार इस वीडियो लेक्चर में बात करेंगे जैक द्वारा दिए गए क्लास ट्वेल्थ के फिजिक्स मॉडल पेपर नंबर टू के सॉल्यूशन की। तो आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरफ टू चार्जेस ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड्स केप्ट एट अ डिस्टेंस आर एक्सर्ट ए फोर्स एफ ऑन ईच अदर इफ द चार्जेस आर हाफ एंड डिस्टेंस बिटवीन दैम इज डबल्ड देन द न्यू फोर्स एक्टिंग ऑन ई चार्ज इज इस क्वेश्चन में यूज़ करेंगे कोलम्स लॉ का जैसा कि आपको कोलम्स लॉ के बारे में पता है द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन बिटवीन ई टू चार्जेस इज इक्वल टू की टाइम्स जैसे वन अपॉन फोर पैप्स वाला नोट लिखते हैं इन टू क्यू वन क्यू टू अपॉन आर स्क्वायर तो जैसा कि आप इस सॉल्यूशन uh, में देख रहे हैं कि जो फर्स्ट टाइम फोर्स जो फाइंड करेंगे व्हेन चार्जेस है मैग्नीट्यूड क्यू वन एंड क्यू टू और सेपरेशन उन चार्जेस के बीच आर अगर है तो फोर्स हो जाएगा के क्यू वन क्यू टू अपॉन आर स्क्वायर बट नेक्स्ट पार्ट में कहा गया है कि चार्जेस के मैग्नीट्यूड को हाफ किया जाता है तो आप यहाँ देख सकते हो कि नेक्स्ट जो टर्म है नेक्स्ट स्टेप है उसमें एफ़ प्राइम जो नया फोर्स होगा न्यू फोर्स एफ़ प्राइम इक्वल टू लिया गया है K Q1 2 Q2 2. के इंटू क्यू वन अपॉइन टू इंटू क्यू टू टू चार्जेस के मैग्नीट्यूड को हाफ़ किया गया और डिवाइडेड बाय उसके डिस्टेंस को डबल कर दिया गया दैट मीन्स टू आर होल स्क्वायर सॉल्व करने पे आएगा के क्यू वन क्यू टू अपॉन फोर इंटू फोर आर स्क्वायर और डिनोमिनेटर वाला जो पार्ट है वन अपॉन सिक्सटीन हो जाएगा इंटू के क्यू वन क्यू टू अपॉन आर स्क्वायर तो ये जो के इंटू क्यू वन क्यू टू अपन आर स्क्वायर है वो पहले वाला फोर्स है सो so, जो न्यू फोर्स आएगा एफ प्राइम देट इज़ इक्व टू एफ अपॉन सिक्सटीन सो पहले वाले फोर्स का वन अपॉन सिक्सटीन टाइम्स हो जाएगा जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है सो ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट वन नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ़ द फॉलोइंग इज द एस आई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड सो इलेक्ट्रिक फील्ड इक्व टू जानते हैं फोर्स पर यूनिट चार्ज दैट मीन्स एफ अपॉन क्यू सो फोर्स के लिए आप लिख सकते हैं न्यूटन और चार्ज के लिए कोलम सो न्यूटन पर कुलम विल वी द राइट आंसर विच इज गिवेन इन ऑप्शन नंबर डी नेक्स्ट वेन एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इज प्लेस्ड इन इलेक्ट्रिक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इट तो इस एक्सप्लेनेशन में हमने एक डाइपोल कंसिडर किया है जिसमें कि चार्जेस माइनस क्यू एंड प्लस क्यू दैट मीनस इक्वल्स चार्जेस होते हैं बट अपोजिट नेचर के होते हैं और उनको यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा गया है इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हमने इस लेफ्ट साइड से राइट right साइड की तरफ लिया है जैसा कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं सो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में प्लस क्यू चार्ज पे जो फोर्स लगेगा दैट इज़ एफ वन इक्वल्स टू क्यू इन ई क्योंकि आपको पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड ई इक्वल टू लिखते हैं फोर्स अपॉन चार्ज तो अगर हमें फोर्स इक्वल टू लिखना हो तो हम लिखेंगे क्यू इन टू ई सो पॉजिटिव चार्ज पे जो फोर्स लगेगा दैट इज़ एफ वन क्यू इन टू ई सेम मैग्नीट्यूड का फोर्स नेगेटिव चार्ज पे लगेगा लेकिन चूंकि इलेक्ट्रिक फील्ड का अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा इस वजह से हमने इस पर नेगेटिव साइन इम्प्लीमेंट किया है एफ़ टू इक्वल्स टू माइनस क्यू इन टू ई तो इस डायपोल पे आप अगर रिजल्टेंट फोर्स फाइंड करेंगे तो इन दोनों फोर्सेस का सम होगा और अल्टीमेटली वो सम आ जाएगा ज़ीरो सो नेट फोर्स ज़ीरो होगा बट uh, किसी भी पार्टिकल पे किसी भी सब्सटेंस पे दो इक्वल बट अपोजिट नेचर के फोर्सेस जब एक साथ वर्क करते हैं तो उनसे एक कपल का जनरेशन होता है और जिसकी वजह से टॉर्क प्रोड्यूस होता है सो राइट आंसर विल बी द ऑप्शन नंबर बी ए टॉर्क दैट मीन्स कि वेन एन इलेक्ट्रिक डायपोल इज प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इट एक्सपीरियंसेस ए टॉर्क नेक्स्ट क्वेश्चन वन वोल्ट इक्वल्स टू सो वोल्ट इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड वी नो दैट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वी इक्वल्स टू डब्ल्यू अपॉन क्यू नॉट वर्क डन पर यूनिट चार्ज सो वर्क डन के लिए आप लिखेंगे जूल दैट मीन्स वन जूल डिवाइडेड बाई चार्ज के लिए वन कलॉम सो वन वोल्ट इक्वल्स टू हो जाएगा वन जूल डिवाइडेड बाई वन कलॉम एंड फाइनली वी मे राइट वन जूल पर वन कलॉम विच इज गिवन इन द ऑप्शन नंबर सी सो ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट ऑप्शन नेक्स्ट वन क्वेश्चन नंबर फाइव में कहता है इफ डाइलेक्ट्रिक स्लैब इज इंट्रोड्यूस्ड इन बिटवीन द टू प्लेट्स ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर दैन इट्स कैपेसिटन्स सो एक पैरल प्लेट कैपेसिटर लेते हैं और उनके प्लेट्स के बीच में अगर एयर या वैक्यूम हो तो उनकी उनका जो कैपेसिटेंस है उसको लिख सकते हैं एप्सलानट ए डिवाइडेड बाई डी और अगर डायलैक्ट्रिक मीडियम प्लेस कर दिया जाए तो उसके लिए फॉर्मूला जो कि नेक्स्ट फार्मूला दिया हुआ है दैट मीन्स एप्सलानॉट ए अपॉन डी माइनस टी अंडर ब्रैकेट वन माइनस वन अपॉन के सो जो नेक्स्ट वाला फॉर्मूला है मीडियम के लिए तो उसमें आप देखोगे कि जब न्यूमरेटर है वो सेम है विदाउट मीडियम जितनी जितना कैपेसिटेंस होता है तो सेम फॉर्मूला है सेम न्यूमरेटर है बट डिनोमेटर में चेंजेज आए डिनोमीटर डिक्रीज कर गया है दैट मीन्स डी में से आपने कुछ सब्ट्रैक्ट किया है तो क्लियरली आप ये कह सकते हैं जब डिनोमेटर डिक्रीज करे और न्यूमरेटर सेम रहे तो ऑब्वियसली जो कैपेसिटेंस है वो इंक्रीज़ कर जाएगा सो ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट ऑप्शन नेक्स्ट द वैल्यू ऑफ एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस एज सो एसआई सिस्टम में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट जिसको कि के से रिप्रेजेंट करते हैं के इक्वल टू आप लिख सकते हैं वन अपॉन फोर फाइप सला नॉट और यहाँ से एपसाला नॉट के लिए आप लिखेंगे वन अपॉन फोर पाई के एक्सपेरिमेंटली ये पाया गया कि जो के का वैल्यू है वो होता है नाइन इंटू टेन टू दावर नाइन न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कुलम स्क्वायर और इस वैल्यू को इस एबिक इक्वेशन में अगर पुट करें तो आपको मिलेगा एप्साला नॉट इक्वल टू वन अपॉइन फोर इंटू थ्री पॉइंट फोर पाई के प्लेस पे और के, के प्लेस पे हमने रखा नाइन इंटू टेन टू नाइन सॉल्व करने पे आपको मिलता है एट पॉइंट एट फाइव इंटू टेन टू दावर माइनस ट्वेल्व कलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर जो कि ऑप्शन नंबर ए में गिवन है इसलिए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट ऑप्शन होगा क्वेश्चन नंबर सेवन है इन रीजन ऑफ कॉन्स्टेंट पोटेंशियल तो एक इलेक्ट्रिक uh, फील्ड के लिए एक फॉर्मूला है माइनस डी वी अपॉन डी आर और क्वेश्चन में कहता है कि पोटेंशियल कांस्टेंट है किसी रीजन में और अगर पोटेंशियल कांस्टेंट होगा तो उसका जो डेरिवेटिव है जो डिफरेंशिएशन है या डिफरेंशियल इक्वेशन है वो हो जाएगा ज़ीरो बिकॉज कांस्टेंट का जो डिफरेंशिएशन है वो ज़ीरो हो जाता है देर इज नो चेंज हम लोग कॉन्स्टेंट क्वांटिटी को चेंज नहीं कर सकते हैं विथ रिस्पेक्ट टू अदर क्वांटिटी एंड दैट इज़ वाई वी हैव टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड दैट मींस नेट इलेक्ट्रिक फील्ड दट इज इक्व टू जीरो हयर विच इज़ गिवन इन द ऑप्शन नंबर बी सो ऑप्शन नंबर बी विद द करेक्ट वन विच वन इज़ द नाट करेक्ट एक्सप्रेशन फॉर एनर्जी स्टोर इन अ कैपेसिटर सो जब आप एनर्जी स्टोर इन अ कैपेसिटर के लिए फॉर्मूला फाइंड करेंगे डिड्यूस करेंगे तो आपको मिलेगा क्यू स्क्वायर अपॉन्ट टू सी और ऑलरेडी हमें यह भी पता है कि क्यू इक्वल्स टू होता है सी इन टू वी सो जब इस एक्सप्रेशन में उस Q के प्लेस पे वैल्यू आप रखते हैं तो आपको U इक्वल टू यू इज़ यहाँ पे एनर्जी स्टोर इन ए कैपेसिटर को रिप्रेजेंट करता है सो so U इक्वल टू हो जाएगा हाफ इन प्लेस ऑफ Q जो न्यूमरेटर में दिया गया है उसके प्लेस पे हम सी भी होल स्क्वायर लिखेंगे और डिवाइडेड बाय C नेक्स्ट uh, स्टेप में C से न्यूमरेटर वाला सी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा C टाइम्स तो आपको मिलेगा हाफ सी वी स्क्वायर तो ये एक एक्सप्रेशन हो गया जो कि ऑप्शन नंबर ए में गिवन है जो हमने पहला वाला जो एक्सप्रेशन लिखा है वो ऑलरेडी ऑप्शन नंबर बी में गिवन है इसलिए वो दोनों एक्सप्रेशंस होगा एनर्जी स्टोर इन कैपेसिटर के लिए अब क्या करते हैं सी वी इक्व टू क्यू पुट कर देते हैं इस एक्सप्रेशन में दूसरे वाले एक्सप्रेशन में सी वी इक्व टू क्यू पुट करने पे आपको यू इक्व टू मिल जाएगा हाफ क्यू इन टू वी जो कि ऑप्शन नंबर सी में ऑलरेडी गिवन है सो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट ऑप्शन नहीं है दैट मीन्स एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर का ऑप्शन नहीं है इसलिए डी आंसर यहाँ पर होगा क्वेश्चन नंबर नाइन कहता है एस आई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स एज सो इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइव को आप डिफाइन करते हैं द डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वैक्टर दैट मीन्स ई वैक्टर डॉट ए वैक्टर सो एस आई सिस्टम में इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए जो आप यूनिट लिखेंगे वो होगा न्यूटन पर कोलम जो कि सेकेंड स्टेप में हमने लिखा है और एरिया के लिए स्क्वायर मीटर और फाइनली यहाँ पे सॉल्व करने पे आपको मिल जाएगा न्यूटन पर कोलम मीटर स्क्वायर विच इज़ गिवन इन ऑप्शन नंबर सी तो ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट ऑप्शन द सर्फेस कंसिडर्ड फॉर गोसेस लॉ इज़ कॉल्ड जब आप एक चार्ज कंसिडर करते हैं और उसके चारों तरफ एक इमेजिनरी सर्फेस कंसिडर करते हैं जिससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स पास करता हो तो उस सर्फेस को गॉसियन सर्फेस कहा जाता है और जिसके थ्रू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स जितना पास करे उतना ही उसका फ्लक्स होता है तो इसलिए उस सर्फेस को गॉसियन सर्फेस कहा जाता है जो कि गॉसिस थ्योरम के लिए इम्प्लीमेंट करते हैं सो ऑप्शन नंबर सी में ये गिवन है ऑप्शन नंबर सी करेक्ट ऑप्शन होगा एन इलेक्ट्रिक चार्ज क्यू इज़ प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ ए क्यूब ऑफ साइड ए द इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऑन वन ऑफ इट्स फेसेस विल बी तो सबसे पहले एक क्यूब uh, कंसिडर करते हैं और कहा गया कि क्यूब के सेंटर पे एक चार्ज प्लेस किया गया है क्यूब के सेंटर पे एक चार्ज है क्यूब सो तो अगर आप गोसेस लॉ के अकॉर्डिंग टोटल फ्लक्स फाइंड करेंगे तो टोटल फ्लक्स फाइव इक्वल्स टू आ जाएगा क्यू अपॉन एप्साला नॉट लेकिन इस क्वेश्चन का कहना है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऑन वन ऑफ इट्स फेस कितना होगा तो अगर टोटल फ्लक्स क्यू अपॉन एप्साला नॉट है तो सिंगल फेस के लिए कितना होगा तो सिक्स फेसेस के लिए क्यू अपॉन एक्स एप्साला नॉट है तो फॉर वन फेस फॉर वन फेस एक फेस के लिए इसका वन अपॉन सिक्स टाइम्स हो जाएगा दैट मीन्स फ्लक्स फॉर ओनली वन फेस इक्वल्स टू क्यू अपॉन सिक्स इंटू एप्साला नॉट सो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट ऑप्शन होगा ओम्स लॉ इज़ फॉलोड बाय एक कंडक्टर है जो कि कांस्टेंट टेम्परेचर पे गिवन पोटेंशियल डिफरेंस के लिए ऐसा करंट प्रोवाइड करता है जिससे कि करंट और पोटेंशियल के बीच जो बनने वाला ग्राफ है वो स्ट्रेट लाइन आएगा सो ओम्स लॉ इज़ फॉलोड बाय कंडक्टर ड्रिफ्ट वेलोसिटी वीडी वेरीज़ विद द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एज पर द रिलेशन सो so, जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का एक्सप्रेशन है जिसे हम वी डी कहते हैं वो माइनस ई टाओ ई अपॉन एम सो अगर चार्ज कांस्टेंट हो जो कि ऑलरेडी कांस्टेंट होता है टाओ रिलैक्सेशन टाइम कांस्टेंट है और मास अगर कांस्टेंट है तो वैसे केस में वी डी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इलेक्ट्रिक फील्ड के और जो कि एक्सप्रे ऑप्शन नंबर डी में गिवन है सो राइट आंसर विल बी द डी क्रचॉप्स जंक्शन रूल इज़ बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ चार्ज जो कि ऑप्शन नंबर बी में गिवन है बिकॉज कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं होता है सर्किट में जो कि सोर्स की तरफ भी काम करे और सिंक की तरफ भी काम करे। दैट मीन्स कि जितना चार्ज किसी सर्किट के एक पॉइंट पर आता है एट द सेम मोमेंट ऑफ टाइम उतना ही चार्ज उस पॉइंट से चला जाता है सो किचॉब्स का जंक्शन रूल कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पे बेस्ड है क्रचॉप्स लूप रूल इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी बिकॉज द नेट चेंज इन द एनर्जी ऑफ ए चार्ज आफ्टर द चार्ज कंप्लीट्स ए क्लोज पाथ मस्ट बी जीरो विच इज एक्सप्लेन हेयर सो ऑप्शन नंबर सी विल बी द द रजिस्टिबिटी ऑफ ए मेटीरियल ऑफ ए कंडक्टर डिपेंड्स ऑन अगर आप रजिस्टिविटी के लिए एक्सप्रेशन लिखेंगे तो आपको मिलेगा मास ऑफ द चार्ज अपॉन एन इंटू ई स्क्वायर इंटू टाओ यहां पर एन है नंबर ऑफ चार्जेस E है चार्ज का मैग्नीट्यूड और टाउ है रिलैक्सेशन टाइम सो मास और चार्ज uh, ये जो दो क्वांटिटीज़ हैं ये कांस्टेंट हैं तो जिसकी वजह से रो को आप लिख सकते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वन अपॉन एन इनटू टाउ। सो

तो उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं उनका थर्मल स्पीड बढ़ जाएगा जिससे कि एटॉमिक वाइब्रेशंस भी इंक्रीज़ कर जाएंगे और एटॉमिक वाइब्रेशंस इंक्रीज़ करने के कारण जो फ्रिक्वेंट कोलिजंस का प्रोबेबिलिटी है जो कोलिजंस होते हैं चार्जेस, डिफरेंट चार्जेस चार्जेस एंड एटॉमिक वॉल्स के बीच में वो बढ़ जाएगा और ऐसा करने से रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज़ कर जाएगा और इस एक्सप्रेशन में जब आप देखेंगे कि जो रेजिस्टिविटी है वो रिलैक्सेशन टाइम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है दैट मीन्स रिलैक्सेशन टाइम के डिक्रीज करने से रेजिस्टिविटी इंक्रीज कर जाती है तो इसका मतलब है कि रेजिस्टिविटी ऑफ ए मटेरियल ऑफ ए कंडक्टर डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर विच इज़ गिवन इन ऑप्शन नंबर सी सो ये थे क्वेश्चन नंबर वन से लेके सिक्सटीन तक के एक्सप्लेनेशंस नेक्स्ट वाले वीडियो में क्वेश्चन नंबर सेवनटीन से क्वेश्चन नंबर थर्टी फाइव तक के एक्सप्लानीशंस को लेकर के आपसे मिलेंगे तब तक के लिए बाय बाय टेक केयर और अगर एक्सप्लानीशन पसंद आया हो तो वीडियो को शेयर लाइक एंड सब्सक्राइब करें थैंक यू